वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एबीएस जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ एबीएस फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपकी सेवा में शुरू है, खांडे सेंट्रल मॉल जलगांव। पिछले साल दिसंबर में भुसावल में आरटीओ कैंप में कुछ लोगों द्वारा जाली लाइसेंस बनाए जा रहे थे, लेकिन आरटीओ के चौकन्ने अधिकारियों के सामने भेद खुल गया और आरटीओ के उपस्थित अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद से मुख्य आरोपी बताए जा रहे गणेश ढेंगे को पुलिस तलाश कर रही थी और उनकी यह तलाश शनिवार को खत्म भी हुई और पुलिस ने गणेश ढेंगे को पकड़कर रविवार को कोर्ट के सामने हाजिर किया, जिसके बाद कोर्ट ने ज्यादा पूछताछ के लिए आरोपी को 12 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है और अब गणेश ढेंगे पुलिस की खातिरदारी में रहेंगे एवं पुलिस उनसे पूछताछ करेगी कि ऐसे और कितने जाली लाइसेंस उन्होंने बनाए हैं। दिसंबर 2020 को 3 लोगों के खिलाफ भुसावल में शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि आरटीओ कैंप में कुछ गलत लोगों को हाजिर कर दूसरे नामों पर लाइसेंस बनाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और काफी समय के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे गणेश ढेंगे को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब देखना है कि पुलिस आगे क्या पूछताछ करती है और बड़े दिनों के बाद गिरफ्तार हुए गणेश ढेंगे से क्या क्या जानकारियां हासिल करती है और क्या पुलिस ऐसे भी लोगों को पकड़ती है जिन्होंने इनकी मदद से गलत लाइसेंस बनाए हैं। पुलिस पूरी पूछताछ करेगी, ऐसी उम्मीद सारी जनता को लगी हुई है। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।